एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज निराक्षी व्लॉग्स। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो है ये, पीछे जो देख रहे हैं ना आप अलमीरा, इसकी वीडियो होने वाली है। ये पूरी अलमीरा मेरी सिर्फ साड़ियों से भरी हुई है। और इसके अलावा पलंग होता है ना, पलंग में जो एयर बैग्स होते हैं उसमें दो ईयर बैग मैंने रखा हुआ है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसको मैं अरेंज करूँ तो कैसे, ऊपर इनके खेलने वेलने का और चटाई रखी हुई है, मतलब दो तीन रैकेट है बैडमिंटन के और चटाई है। तो ये जो अलमीरा, पहले तो मैं आप सभी को ओपन करके दिखाती हूँ। देखिए कैसे भरी हुई है, ये देखो पूरी ऐसे साड़ियों से भरी हुई है। इसको करना है अरेंज। अब इसको अरेंज करने में ना आफत आने वाली है सच में, तो मैं इसको कैसे अरेंज करूँ समझ नहीं आ रहा। इसको अरेंज करने में सच में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आज मैंने यही सोचा है कि इसको अरेंज करूँगी और कुछ साड़ियाँ निकालूंगी जो मैं पहनूंगी। और ब्लाउजेज मुझे आ नहीं रहे हैं क्योंकि शादी के टाइम के ही हैं, उसके बाद शादी के बाद तो मैं थोड़ी मोटी भी हो गई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़े ना ब्लाउजेज खुलवा लूँ। अंदर मैंने अच्छा खासा मार्जिन डलवाया था जब मैंने शादी के टाइम में सिलवाया था, तो थोड़े से खुलवा लेती हूँ ताकि साड़ियाँ पहन सकूँ। तो चलिए आज की वीडियो यही होगी, इस अलमीरा को करते हैं ठीक। इस अलमीरा में जितना हो पाया, जैसे हो पाया सही करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, नहीं हुआ तो छोड़ देंगे, है ना। तो बाकी मैं करती हूँ इस अलमीरा को ठीक। तो आप सभी भी मेरे साथ मेरा साथ दीजिए, यस आप सभी मेरे साथ मेरा साथ दीजिए इसको ठीक करने में। और कुछ कुछ हुआ तो दिखाऊंगी, जैसे एक दो साड़ियाँ तो इसमें ऐसी हैं हल्की हल्की ली थी कि पहनूंगी और पहनी ही नहीं है अभी तक, तो ज़रूर दिखाती हूँ वो सभी भी। और आपके साथ मिलकर इस अलमीरा को ठीक करते हैं, चलिए स्टार्ट। ये वाला ब्लाउज बहुत अमेजिंग है, इसको रख लेते हैं, अच्छा लगा हुआ है, साफ ही है। ये साड़ी मैंने आज तक नहीं डाली, आपने कभी नहीं देखी होगी ना, ये ऑर्गेंजा में इसकी हालत कैसे हो गई है, घुचुड़ पुचुड़, मतलब बहुत सारे रिंकल्स आ गए हैं इसमें, लेकिन ये साड़ी बहुत अमेजिंग है। ऑर्गेंजा में है, पाइपिंग किया हुआ, इतना लाइट कलर है ना इसलिए मैंने अभी तक नहीं डाला था, पर अब तो डाल सकती हूँ, एक साल हो गया तो लाइट कलर्स भी अब डाल सकती हूँ। इसमें जो एक पिंक शेड था वो तो पूरा वाइट ही लग रहा था, इसलिए मैंने लिया ही नहीं था, ग्रीन ले लिया था। बाकी पिंक शेड की ऑर्गेंजा बहुत अच्छी लगती है। येलो साड़ी, और ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट साड़ी कॉटन की, जो मैं डाल लेती हूँ। ये वाली भी ऑल टाइम फेवरेट है, और एक जो मैंने ली थी वो वाली भी फेवरेट है। हल्की हल्की साड़ियाँ निकालते हैं, इसमें ये साड़ी दुपट्टा ही है, ये भी ठीक करवाएंगे। देखिए ये साड़ी हल्की वाली बड़ी सुंदर है, ये साड़ी बहुत अच्छी लगती है मुझे, लाइट वेट और इतनी ज़्यादा सुंदर है, ये साड़ी इतनी अच्छी है लाइट वेट। मैंने सारी साड़ियाँ आपकी पसंद की ली थी, और जितनी ली थी जो मैं पहन सकती हूँ, मुझे हैवी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता पहनना, और मैं पहन भी नहीं पाती इस वजह से नहीं ली थी। ये साड़ी ये सूट है, मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी की साड़ी, फर्स्ट एनिवर्सरी साड़ी, बहुत अच्छी सिल्क की साड़ी मिली थी, मम्मी ने दिलाई थी, मिली क्या थी, मम्मी ने दिलाई थी, बहुत अच्छी है, उसी का ही पेटीकोट और ब्लाउज है। मेरी ऑर्गेंजा दूसरी वाली, उसका पेटीकोट है शायद, इस वाली का रख लेते हैं, ये भी पहनेंगे कभी। ये साड़ी है, ये यहाँ से गई थी, ये भी अच्छी है, ये ऑल टाइम फेवरेट ब्लाउज है, तो हर एक साड़ी पे चल जाता है, रेड है, ऑरेंज है, इसमें पिंक भी है, तीन तीन थ्रेड से है ये। और ये मेरी बरसाइट की साड़ी का ब्लाउज है, साड़ी भी अमेजिंग है वो सिल्क वाली। चलिए अब बिना बात किए जल्दी जल्दी से ठीक करें।
देखिए पूरा नीचे अब लेके ये मैं बैठ गई हूँ, सारी चीज़ें सहती हैं अभी मैंने और सर पकड़ के बैठी हुई हूँ। इन सबको अरेंज करना है, यहाँ पे जितना हो पाया ये कर लिया है, अब जल्दी जल्दी इसको रख देते हैं, बहुत ज़्यादा थक गई। तो फाइनली पूरा ये सही हो चुका है, साथ ही साथ 3 बैग तैयार किए हैं मैंने। इसमें कम से कम इसमें ही होंगी 4 साड़ी, उसमें 4 ठूस के भर दिए ड्राई क्लीनिंग के लिए। ये सारी ड्राई क्लीनिंग करके देखो पैकेट में रखी हुई थी मैंने, बाकी ऊपर ब्लाउज है, नई साड़ियाँ हैं और ये पेटीकोट। मुझे लगता है साड़ी से ज़्यादा मेरे पास पेटीकोट ही है, येलो कलर का पेटीकोट मुझे 7 देखा है, और ये सब ड्राई क्लीनिंग के लिए दूंगी। अब चलते हैं कुछ खा लेते हैं, देखो शाम कर दिया मैंने। चलिए यहाँ चल रहा है हमारा नाश्ता जो लेके आए हैं जहाजी। नाश्ते में क्या क्या लेके आए हैं आप बताइए? ब्रेड है, मोमोज है, की चटनियाँ हैं, यस, और मिठाई भी है किचन में रखी हुई है, तो खाते हैं है ना। बहुत दिनों बाद ऐसा खाना पीना वाला व्लॉग बन रहा है सच में। ठीक है तो मैं अभी इसे फिनिश करती हूँ, इसके बाद चाय पियेंगे जहाजी। ठीक, और यहाँ नाश्ता करने के बाद चाय वाय पीने के बाद, चाय मैंने रिकॉर्ड करके दिखाई नहीं आप सभी को, क्योंकि चाय हम बहुत ही बार दिखा चुके हैं बनाते हुए पीते हुए, क्यों जाजी? अगले बारे में दिखाएंगे। हाथ तो आप अपना पकड़ के रखो जाजी एकदम स्ट्रिक्ट रहते जाजी, पता है क्या सब सोचते हैं आप हमेशा ही ऐसे स्ट्रिक्ट रहते हो, ऐसा नहीं है ना? नहीं नॉर्मली रहते हैं, नॉर्मली रहते हैं, ऑन कैमरा क्या इतना वो करना है ना जाजी। और मैं जाजी जाजी कम से कम 100 बार तो एक वीडियो में बोलती हूँ, तो जाजी के अलावा और मैं बोलूँ क्या, किसको बुलाऊँ है ना, यही तो रहते हैं मेरे आस पास तो इन्हीं को ही बुलाती रहती हूँ। तो हम अपने अपने फ़ोन में लगते हैं और जो आपके लिए वीडियो लाते हैं उसे अच्छे से एडिट कर लेते हैं, तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए, इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और प्लीज़ फेसबुक पे भी आप सभी हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि जहाजी अभी इतनी मेहनत करें फेसबुक पे, इतने सारे लोग हमारे साथ कनेक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, 7.2K है ना जहाजी, बता दीजिए 3 हो चुके हैं अब, बता दीजिए। तो निराक्षी ब्लॉग्स के नाम से ही है, फेसबुक पेज भी है, उसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं, सेम कंटेंट वहाँ पे भी रहता है, तो अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो आप वहाँ जाके भी जुड़ सकते हैं। हाँ सेम कंटेंट रहता है, और वहाँ पे क्या होता है कि आप मैसेज पे बात आराम से कर सकते हो, कई लोगों के मैसेज आते हैं गुड मॉर्निंग गुड नाइट, बहुत सारे मैसेजेस, तो जाजी हमेशा रिप्लाई देते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना आप सभी, कैसा लगा आप सभी को, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए अगर आप नए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।